तो हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुज्जू कंप्यूटर वालों में। और आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन के क्या क्या टाइप्स है, ठीक है। मशीन लर्निंग अगर आप सीख रहे हो तो ये सबसे इंपॉर्टेंस वाला ये वीडियो होने वाला है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। हमने अगले वीडियो में टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग वाला देखा था, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ रिग्रेशन। तो चलिए जल्दी से शुरू कर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने नेक्स्ट वीडियो में ये देखा था, क्या देखा था कि मशीन लर्निंग का क्या क्या टाइप हो सकते हैं, ठीक है। इसका मैंने पूरा डिटेल वीडियो बताया हुआ है, तो वो अगर आपने नहीं देखा तो पहले तो वो वीडियो देखिए, आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, तभी आपको पता चलेगा कि रिग्रेशन का टाइप्स क्या क्या है, क्योंकि मशीन लर्निंग के अंदर ही रिग्रेशन आता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए ये फोटो यहाँ पे लिखाई हुई है, क्यों, क्योंकि मशीन लर्निंग का जो एक टाइप है सुपरवाइज लर्निंग, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसी का एक टाइप है रिग्रेशन, ठीक है। तो ये इतना पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने अगली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वीडियो आप पहले देख लीजिए, इसकी लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए ना, अगर आप बीच में से वीडियो देखोगे तो आपको कुछ नहीं पता चलने वाला, ठीक है। आपको वो ही नहीं पता है कि रिग्रेशन कहाँ पे आता है, क्यों आता है, ठीक है, तो फिर कुछ काम का नहीं। तो एक और बार बता दूं, मशीन लर्निंग का जो चार टाइप है उसका एक टाइप है सुपरवाइज लर्निंग, उसका एक टाइप है रिग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने व्हाट इज रिग्रेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, रिग्रेशन एक्चुअली है क्या, क्योंकि रिग्रेशन इज अ सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक, वो तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि वो सुपरवाइज में आता है, ठीक है। विच इज यूज टू प्रेडिक्ट कंटिन्यूस वैल्यू, ये आपको याद रखना है, रिग्रेशन इज यूज टू प्रेडिक्ट कंटिन्यूस वैल्यू। मैं आपको अभी इसी वीडियो में अगर आपको ग्राफिकल व्यू सबको दिखाने वाला हूं तो आपको पता थोड़ा घना चल जाएगा, ठीक है। तो वो क्या यूज होता है, प्रेडिक्टेड कंटिन्यूस वैल्यू। फिर क्या है, तो कि द अल्टीमेट गोल ऑफ रिग्रेशन एल्गोरिदम इज टू प्लॉट बेस्ट फिट लाइन, मतलब रिग्रेशन का गोल है क्या, ये रिग्रेशन रिग्रेशन हम कर रहे हैं, लेकिन रिग्रेशन से हम करने क्या वाले, तो कि रिग्रेशन का गोल यही है कि ग्राफ में आपको प्लॉट करनी है एक लाइन, जिसको बोलते हैं बेस्ट फिट लाइन, वो क्या होती है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और बिटवीन द डेटा एंड लिनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये सब इसके टाइप है, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, पहले तो हम टाइप्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे सिक्स टाइप्स मेंशन किए हुए, लेकिन ऐसा नहीं है सिक्स टाइप है, लेकिन ये सिक्स मेन टाइप्स है, बाकी तो कितने सारे हैं जो कि रिग्रेशन के टाइप है, ठीक है। तो पहला है लिनियर रिग्रेशन, दूसरा है लॉजिस्टिक, तीसरा है रीज, फोर्थ है लेसो, फिफ्थ है पॉलिनोमियल, एंड लास्ट वन इज बायेसियन लिनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो हम एक के बाद एक अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको सिर्फ उसमें कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ देखना है कि लिनियर है तो कुछ ऐसा कुछ होने वाला है, लॉजिस्टिक है तो ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। उसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ ग्राफ ही देखने वाले, जो कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो पहला है लिनियर रिग्रेशन, उसमें कुछ आपको ग्राफ मिलने वाला, हम आगे देखने वाले हैं कि लिनियर रिग्रेशन का पूरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें कुछ इसी तरह के ग्राफ्स मिलने वाले हैं, और ये है ये बेस्ट फिट लाइन, मैंने अभी आपको बताया ना कहाँ लिखा था, ये देखो यहाँ लिखा था ना कि प्लॉट अ बेस्ट फिट लाइन, ठीक है, और प्रेडिक्टेड कंटिन्यूस वैल्यू, कंटिन्यूस वैल्यू है उसकी लाइन है, ठीक है। फिर दूसरा है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो उसमें आपको कुछ इसी तरह का कुछ ग्राफ मिलने वाला है, ठीक है। फिर तीसरा है रीज रिग्रेशन, तो उसमें आपको ये 3D व्यू के बारे में पता चल सकता है, ठीक है। फिर फोर्थ है लेसो रिग्रेशन, तो इसमें आपको ऐसा कुछ ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। फिर फिफ्थ है पॉलिनोमियल रिग्रेशन, तो पॉलिनोमियल है तो इसमें एक से ज्यादा आपको लाइनें मिलने वाली है, ठीक है। मैं अभी एक और बात बता दूं कि ये सब वो ग्राफ है, वो आइडियल ग्राफ है, तो ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्टली ऐसे ही ग्राफ मिलेंगे, लेकिन कुछ इसी तरीके का ग्राफ आपको मिलने वाले, ठीक है। और लास्ट वन है बायेसियन लिनियर रिग्रेशन, तो इसमें आपको कुछ इससे ज्यादा लाइन वाला ग्राफ मिलने वाला है, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंस क्या है लिनियर रिग्रेशन का, इम्पोर्टेंस है क्या, हमने ये एनालिसिस तो कर दिया, ये ग्राफ का एनालिसिस तो हमने कर दिया, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो कि इट इज यूज टू इवेल्यूट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, ठीक है, ये आपको समझ में आ सकता है। फिर नेक्स्ट वन इज रिग्रेशन एनालिसिस हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर डेटा पॉइंट्स रिप्रेजेंटेशन एंड अकॉर्डिंगली विद द हेल्प ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स टेक्निक, ठीक है। बिजनेस के काम का है कि हमारा इतना लॉस हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतनी हमारी बेस्ट फिट लाइन है, तो हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो तीसरा है वो है रिग्रेशन एनालिसिस इज अ रिलायबल मेथड ऑफ आइडेंटिफाई विच वेरिएबल्स हैव इंपैक्ट ऑन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा टाइप ऑफ रिग्रेशन क्या है, ठीक है। ज्यादा कुछ इसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आएगा, फिर भी आपको कोई डाउट है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं और मेल भी आप
क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।